पेपरवा पढ़ा भैया आज का? पेशावर हत्याकांड में 132 बच्चा समेत 142 लोगों की जान गई। बताइए, 140 लोग को मार दिया और बच्चा समेत? क्या भाई, तुमको आर्मी से दिक्कत था? ऐसे लोग को माफ किया जाएगा? हाँ महाराज, पहल के पेज पे दिया है, पहल के पेज पे परवाह नहीं पड़ते हैं। 132 लोग को मार दिया, 145 लोग घायल। भैया पेपरवा पढ़ने से कहा होगा, पूरा प्लानिंग के साथ आया था वो लोग। अच्छा, सुने कि पूरा 9 लोग था? पूरा 9 लोग था, पूरा 9 लोग एक एक क्लसवा में घुस के फायरिंग किया है महाराज। 8 से लेके 18 साल के छोट छोट बच्चा सबके मार दिया, मजाक है? बताइए, 8 से 18 साल के छोट बच्चा सबको जो मार दिया है, और सुने कि जो मास्टर लाइन उन लोग को बचाने गई उसको जिंदे जला दिया है? सेना का वर्दी पहन के पीछे के दरवाजे से आए थे, पीछे के रास्ते से समझे, दीवार फंद गए थे। अरे वही ना कहे, सबके पास बुद्धि ज्यादा है, सबके पास ज्यादा दिमाग है। अरे भैया 26/11 भूल गएगा, क्या हुआ था? भूले वाला दिन था, आए कितना डिस्टेंस कवर करके आना है, कैसे गोली चलाना है, सुने कि कितना आदमी के आंखें में गोली मार दिया, आप समझिए कि कितना पास से गोली चलाया होगा। नहीं सुने, लियोपोल्ड कैफे यही ला गया था सर, मैं विदेशी आते थे। अरे लियोपोल्ड छोड़िए महाराज, पूरा 7 दिन का प्लानिंग था फायरिंग करने का, पूरा 7 दिन का। वो कसबोआ से जब पूछताछ की पुलिस तो बताया 7 दिन का प्लानिंग था और पूरा फायरिंग करेंगे, और उसके बाद महाराज पूरा वापस लौट जाने का प्लान था, पूरा चार्ट लेके आया था। दिमाग की बात करते हैं आप महाराज। अरे इस दिमाग का कमी है, सबका दिमाग तेज है, एक के बाद एक पकान। अरे ना, असल में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो हुआ, अरे प्रभु भैया एक चाय देना थी तो भैया, जिन्ना एयरपोर्ट इंटरनेशनल में जो कांड हुआ था उसी का नतीजा है सर। क्या भाई, तो ये सब कौन सी चल रहा है? मैंने कौन सा भी कांड हुआ था, बच्चा को मार दीजिएगा, आए बच्चा औरत को मारिएगा, उसके पीछे छुप गए। अरे मर देता, सामने सामने फाइट करिए, पीछे का हल्ला करते हैं जी। अरे भैया बताइए, कुछ गलत बोले क्या? नहीं, सब बच्चा सबको जो मार दे रहा है। देखिए असल में है क्या, हम आप लोग का बात सुन रहे थे, बहुत शर्म की बात है कि इतना पाक चीज को लोग नापाक पाक नहीं, 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 को इरादा नहीं, 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 इतना लोग को बेरहमी से मारना, बताइए कहाँ सुन रहे थे जो बोल रहे थे आप, हम सुन रहे थे, तो मैं पेपर में पढ़ रहे थे लेकिन हम सुन रहे थे, इतना बेरहमी से मारना, छी 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 इतना, वो नहीं, आप क्या गलत पढ़ रहे हैं, एक्सप्लोजिव लगाया था ये लोग, सब जो टेररिस्ट सब था लोग एक्सप्लोजिव लगाया था। अरे तो मेरा कहना है कि कब तक? नहीं नहीं, वो तो है ही है, एक्सप्लोजिव लगा के, एक्सप्लोजिव लगा के ये लोग क्या कहते हैं कि बचवा को उड़ाया, अगर देख लिया आपने कि अपने तो मरेगा नहीं, इसलिए बचवा को सटा उड़ा दो, नहीं तरीका है जी भैया, बहुत पहली बार देखा आपको ये तरीका है जी। असल में मैं यही बगल में रहता हूँ, मैंने सोचा मैं इधर ही आ जाऊँ एक बार, चाय वाय पीने घर, अच्छा जगह है, नाम नहीं बताया भैया आपका जी? नबील, नबील है, मोहम्मद नबील। डर हो गया जी हजूर, माफ कर दीजिए जरा। अरे भाई साहब सॉरी, ब्लंडर, हम लोग भावनाओं में जरा बह गए थे, और कोई बात नहीं, भावना नहीं नहीं समझे, भावनाओं में सॉरी से मतलब भावनाओं में क्या, नहीं क्या कहना क्या चाहते हैं, कहा है कि हम मुसलमान हैं इसलिए गलती, भाई साहब हम कौन हैं? वो लोग थे भाई साहब जिसने किया, हमने नहीं किया भाई साहब, वो तो लोग थे जिन्होंने किया, अब हमें सॉरी बोल रहे हैं, बताइए। चलिए चलिए, समझ गए, नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं भाई साहब आप नहीं समझे, नहीं समझे भाई साहब, डोंट ब्लेम द रिलीजन भाई साहब, ब्लेम द पीपल, हमें मत बोलिए उन्हें बोलिए, ये मुट्ठी भर लोग हैं भाई साहब, हम आप साथ हुई ना इंशाल्लाह सब परास्त होंगे, इसलिए हमें ना बोलिए भाई साहब, डोंट ब्लेम द रिलीजन भाई साहब, ब्लेम द पीपल, डोंट ब्लेम द रिलीजन, ब्लेम द पीपल, हमें हमें बोल रहे हैं, डोंट ब्लेम द रिलीजन, मुट्ठी भर है भाई साहब ये लोग, डोंट ब्लेम द रिलीजन, ब्लेम द पीपल जिन्होंने। मैं ना जात हूँ,
क्यों मैं मुल्ज़िम हूँ हर हाल का, क्यों फंसा हुआ हूँ जान सा, मैं ना आन हूँ ना मैं शान हूँ, मैं अद न सा एक जान।